कितना टाइम हो रहा खिला के? 5-6 महीने हो रहे। अच्छा, क्या बोल के तकलीफ दे बोले थे? कैसा मार बोले थे? फांसी देके। फांसी देके मार दे बोले। और खिलाने वाली की क्या दुश्मनी थी बच्चे के साथ में? जल्दी बोलना तो दो टुकड़े कर दूंगा। नहीं मालूम। कौन से गांव का है वो जादू करने वाला? अंबे का। अंबे का? हाँ, अंबे का। अंबे बोले तो क्या है ये? गांव है अंबा, परचूर के पास। कहाँ का है? अंबा। अंबा। औरत है आदमी है वो? औरत है। औरत हिंदू की है मुसलमान की? मुसलमान की। मुसलमान की। नाम क्या? चुप बैठो ना जी तुम। हाँ। क्या उन्हें खुद जादू करी? जादूगर के पास गई? जादूगर के पास गई थी वो। कौन से गांव का जादूगर था वो? कौन से गांव का? पुणे का। पुणे का। अच्छा। वो औरत के साथ और कौन मिले आले आदमी है वो? कोई नहीं, औरत ही थे। उसके साथ और दूसरे औरता मिले आले क्या? हाँ। कितने मिले आले? 3 औरता है। वो ये छोकरे के रिश्तेदार ने होते क्या वो? हाँ। क्या नाम है उनके? शानूर। जोर से बोल। शानूर। शानूर। और दूसरी कौन मिली आली उसके साथ? हाँ, कौन मिली? जल्दी ना तो दो टुकड़े कर दूंगा। हाँ, और कौन है? भोरी। 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 जोर से। भोरी। भोरी। और आपकी? और कोई नहीं। अच्छा, क्या दुश्मनी से करे उन्होंने जादू? थी एक दुश्मनी। क्या? जोर से बोल। एक दुश्मनी थी। क्या थी? इनके घर में थी दुश्मनी। क्या छोकरे से शादी करने का था क्या उनको? नहीं नहीं। हाँ फिर? इसके माँ ने कुछ नहीं बोली थी। हाँ तो बदला लेने करे। ओ, बदला लेने। अच्छा, ये बच्चे का क्या लग गया था जादू चलाते सो वक्त? कपड़ा नहीं गया। कपड़ा खड़े रह के ले रहे छोकरे। हाँ हाँ, झगड़ो उसको तेज से। क्या लग गए थे लड़के का? कपड़ा लग गए थे। कपड़ा कौन सा कपड़ा था? पैंट का, शर्ट का, काय का? पैंट का। पैंट का। ए छोकरा, पंखा बंद कर। पैंट के। काय का था? पैंट का। कौन से कलर की पैंट थी वो? काले कलर की। इधर का बीच में का लेना रे, उसके बाजू का। हाँ, झगड़ो उसको तेज से। हाँ, काले कलर की। कब लग गए थे पैंट? 1 साल हो रहा। पैंट किसके हाथ से चुराए थे? चुराए थे। कौन ने? शानूर ने। शानूर ने। अच्छा, कहाँ से? घर के बाहर से? इसके नहीं, घर में से उधर बुला के बम्बई को। अच्छा, ये छोकरे को वहाँ का वहाँ चुरा लिए थे? चुरा। अच्छा, इसके घर में किरकिरिया कौन लगाए? वो लगा रहे। वो लगा रहे। खैर बरकत कौन उड़ा रहे? वो उड़ा रहे साले। क्या बोल के कर रहे? बर्बाद होके सब खत्म होना। बर्बाद होना इन्होंने सब। तरक्की कर रहे साले। हरम मास पूनम को जादू कर रहे क्या? आओ, तरक्की कर रहे। अब बंदिश में ले लूंगा मैं सब ये करके। सालो नाला को दोबारा परेशान करना नहीं लोगों को। कभी हो तुम्हारे बाप की दुनिया है क्या लोगों को परेशान करने वैसा? मेरे से इजाजत ले रहे क्या तुम लोगों को परेशान करने को? कम वक्त हो शैतानो। इसको हवरे की जने ने करा था। हाँ, कौन? इकरम नाम उसका। कहाँ का रहने वाला वो? वहाँ का। चांबे का। उन्हें इसका कौन होता? दोस्त ही दोस्त। क्यों करा था? वजह? साथ में रहना खाली। अच्छा, उसका सुन के रहना गुलाम बन के। गुलाम बन के। हाँ। सब पे करता क्या उन्हें सच? हाँ। क्या इस पे करा था खाली? सब पे करा था। इसका रिश्ता क्यों नहीं जमरा छोकरे का? करा उन्हें रिश्ता नहीं जमना बोल के। तो रिश्ता नहीं जमना बोल के वो औरतों ने करे क्या? छोकरे ने करा? औरत ने। औरत ने खाली। अच्छा, चल अब तबा तबा करने तो काट के डाल दूंगा तेको। और कुछ बुझाने का है क्या? नाम नाम अख्तर का रिश्ता क्यों नहीं जम रहा? हाँ, करी सारी ने। उसका भी कुछ लग गई क्या? हाँ, लग गई थी शायद। क्या लग गई थी? शर्ट पैंट कपड़ा बाल? बाल लग गई थी। बाल कहाँ से ली थी? घर से लग गई थी। घर से। अच्छा, कितना टाइम पहले? 5 साल हो रहे। 5 साल। अलो ऐसे जादू करके लोगों को परेशान कर रहे हैं नाला को। क्या है उसका सलीम? क्या पूछने का? रिश्ता नहीं जम रहा उसका। सलीम का भी रिश्ता क्यों नहीं जम रहा रे? सलीम का जम रहा ना। जम रहा? हाँ। कुछ करी क्या उन्होंने उसमें? उसमें नहीं करी। उसमें नहीं करी। अच्छा, मोला नहीं ना। तेरे माँ कुछ करी बना? उसके माँ को क्या करे? बच्ची माँ को भी करे वाला है। क्या करे? मरना बोल के करे के बीमार रहना बोल के करे? ये भोलेपन। भोलापन। भोलापन। अच्छा, क्या लिख गई थी उसकी माँ का? कपड़ा लिख गई थी। कपड़ा? हाँ, कपड़ा लिख गई थी। बर्बाद करूंगी मैं सबको। अच्छा, माँ का कौन सा शर्ट का पैंट का क्या लिए थे? शर्ट का लेके गए थे। कौन से कलर का? काले कलर का। शर्ट था क्या? साड़ी थी? साड़ी की। साड़ी का? हाँ, साड़ी। साड़ी। हाँ। कौन से कलर की? काले कलर की थी। कितना टाइम हो रहा ली जाके? 10 साल। 10 साल।
वारे जादू कर रहे लोगों पे नाला को शर्म नहीं आ रही तुम आगो आ, देखा हुकूमत किसकी मनमानिया किसके चल रहे है। चल तोबा कर, उठा दो नाता मुंह मारो, जोर से तोबा, जोर से तोबा। आएगा दोबारा लड़के के रिश्ते के आड़े? नहीं नहीं नहीं, सब पे अलग अलग वारा करके शैतान अलग अलग छुड़ी उन्हें कि तेकु सबको ड्यूटी दिया लिए ड्यूटी। अच्छा तेरे साथियां कितने? पांच जने हम। अच्छा सबके ऊपर अलग अलग छुड़ी और तेको मेन बना के छुड़ी। चलो ये नाला कुछ जकड़ के लो, उनको भी जकड़ के लेने की तैयारियां करेंगे, बंदिश में सबको खत्म करेंगे। दबा कर जोर से, इंसान को करेंगे दोबारा परेशान? जोर से दबा, जोर से। चल निकल लो, छोकर छोड़ के डाल दो। नानी को भी करने वाला है उसके। क्या करे उसके नानी को? नानी को खिलाने वाला है। क्या बोल के खिलाए थे? कैंसर कुछ तो भी होना बोल के। अच्छा अच्छा, तो जादू बीमारी नहीं है वो, ये जादू टोने के वारा चल रहे हैं। अब कैसा होना, क्या बोलते, तो खुद ब खुद अच्छा होने वाले कि उनका उतारा कराना? उतारा करना पड़ेगा उनका, ऐसा ठीक नहीं होने वाले। तुम चुप बैठो जी जरा। हाँ बोल रहे, और वैसे ठीक नहीं होने वाले हो, उनका उतारा करना पड़ेगा। कितने भी पैसे लगे बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा उनकी जान ही लेने वाले है? जान लेने वाले। अच्छा उनकी कब मिलने लेने का था? अम्मास में, पूनम में? अम्मास में। अच्छा चलो, तो मैं सब राइट कर दूंगा, मेरी ड्यूटी किसके? ये बच्चे के, सबको बर्बाद करने का था। चल तो बात कर जल्दी। क्या नाम है छोकरे का? अकबर। चल तो बात कर जल्दी, जोर से, जोर से अल्डा की चीख मार के, चीख मार के। शैतान है ना, पूरी ताकत बता दे रही। तोबा 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 तोबा। देखा ऐसा रहता अल्लाह वालों का दर। हुसैन इब्न अली आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हा, तुम्हारे बाप की दुनिया ने नाला हो, लोगों को परेशान नहीं करना। निकल। उधर नहीं मारता कैमरा, छोड़ो जी, हाथा मत लगाओ ना, तुम अलग ही कर रहे, पीछे हटके बैठो। पानी की बॉटल कहाँ है, उसकी थैली कहाँ है? वो नहीं पहले दिया ला पानी। ये वो दास्तान है, ये जो थे पहले राउंड में नाम नहीं पूछा था मैं, दूसरे राउंड में उन्होंने रिक्वेस्ट करे, इसलिए मैं सेकंड राउंड में नाम दास्तान जो भी थी एक्स वाई जेड उसकी जबानी तुम्हारे सामने सब पूछा दिया। बार बार मैं यही कहता तुम्हारे को, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। फिर तुम अगर नहीं मानोगे ये सब बातों को तो तुम्हारे दर दर जाकर भीख मांगना पड़ेगा। अरे क्या हुआ था मियां? तो ऐसी दास्तान रहती, ये बलाएं ये वबाएं ये करनियां ये कौटालाएं ये अच्छी चीजें नहीं रहते। मैं तुम लोगों को बार बार बोलता कि इसके करीब मत जाओ। जितने भी जादूगर लोग है वो कान खोल कर सुन लो, जितने भी जादूगर है वो सब कान खोल कर सुन लो। दुनिया तुम्हारे बाप की नहीं है, दुनिया अल्लाह और उसके रसूल की है, और दुनिया में अल्लाह अब्दाल खुतुब औलिया इन सब के जाल बिछाए वाला, इनके थ्रू दुनिया चलाता। और तुम ज्यादा मनमानियां करेंगे लोगों के ऊपर, ज्यादा जादू टोना करेंगे तो यकीनन तुम्हारा अड़ंग गिरा दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ पांव टेढ़े कर दिए जाएंगे, तुम्हारे को लखवा फालिश मार बड़े बड़े बीमारियों में घेर दिया जाता, और घेर कर तुम्हारे को फिर हलाक और गर्क कर दिया जाता। इसलिए किसी के घर को गर्म पानी से जलाने की मत सोचो। तुम किसी के घर को जलाने की सोचेंगे, बर्बाद करने की सोचेंगे, तुम भी यकीनन बर्बाद होंगे। कोई भी दुनिया का धर्म और कोई भी इंसान तुम्हारे को ये नहीं सिखाता इंसानियत कि किसी को बर्बाद करो। कोई भी ग्रंथ के अंदर, कोई भी किताब में, कोई भी आसमानी किताबें तौरे जुबूर इंजील कुरान और भी कोई भी किताब ले लो, सारे किताबों के अंदर ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथों में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जाओ और किसी को परेशान करो, जाओ किसी को नाहक परेशान करो, किस पे जादू करो, किसका घर जला दो, किसको मार दो, किसको बीमारी लगा दो। नहीं है, अब हर धर्म में तुमको ये बोले आला है कि नेक बनो और एक बनो। अगर मनमानियां करेंगे अब दुनिया में और गड़बड़ियां करने की कोशिश करेंगे तो बेटा किसका कुछ नहीं जाता। जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। फिर तुम्हारे को ऐसे वबाओं में, ऐसे बलाओं में, ऐसी दास्तानों में घेर लिया जाएगा,
कि तुम्हारी तौबा भी कबूल नहीं होंगे, तुम बच के भी नहीं भाग सकते। इसलिए बोलते ना, जहां बिच्छू का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो यकीनन फिर उसका डसना तुम्हारे को बर्दाश्त करना पड़ेगा और खत्म और गर्क और हलाक होना पड़ेगा फिर उसके जहर से तिरो। तो इसलिए बेहतर है कि सब बातों पर अमल करो, नेक बनो, एक बनो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह और उसका रसूल कुरान हदीस शरीयत इस पे चलो। और दुनिया में जो भी इंसान धार्मिक होता वो किसी का बुरा नहीं सोचता, और जो धार्मिक नहीं रहते वो बदमाश जेंट बदमाश लोग परेशान करते एक दूसरे को, क्योंकि मैंने गीता और कुरान को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा और जो लड़ते हैं उन्हें ये पढ़ते हुए नहीं देखा। तो इसलिए इस पे से अंदाजा लगा लो कि वो लोग बदमाश रहते, वो धार्मिक नहीं रहते जो जादू टोने करके एक दूसरे को परेशान कर रहे। अल्लाह रसूल से डरने वाला इंसान, इबादत की राह पर चलने वाला इंसान, दीन धर्म वाला इंसान किसी का बुरा नहीं सोचता, उन्हें सबके लिए अच्छा सोचता, क्योंकि उन्हें हर वक्त ईश्वर से डरता, हर वक्त उन्हें सोचता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो ईश्वर देख रहा मुझे, ईश्वर 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 चलता उसके दिमाग में, अल्लाह उसका रसूल ईश्वर। और जो बदमाश जेंट बदमाश वक्ता नालायक रहते तो वो हरकतें करते, और वो नालायकों को इतना समझना कि तुम जो भी हरकत करेंगे तो तुम्हारे को मार पड़ती। तुम अल्लाह के वलियों के बारे में खाली बुरा सोच लिए तो अल्लाह तुम्हारे से जंग का ऐलान कर देता हुआ खुला बोला, खुला फरमा दिया अल्लाह ने कि अगर मेरे वलियों के बारे में बुग्ज रखेंगे तिल बराबर भी दिल दिमाग के अंदर तो तुम्हारे से खुले जंग का ऐलान अल्लाह करता, तुम्हारी सारी इबादतें रद्द कर दी जाएंगी। तुम कितने बड़े भी मुफ्ती खारी आलिम हाफिज पंडित एक्स वाई जेड पादरी कोई भी रहेंगे तुम, तुम्हारा सब रद्द कर देंगे, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा अल्लाह खुद फरमाता। और फिर तुम्हारे को क्या बोलते तो वबाओं में बलाओं में घेर के गर्क करके हलाक कर दूंगा। देखो शद्दाद फिरौन नमरूद हामान इन सब का क्या आलम किया अल्लाह ने, क्या हुआ दुनिया पे हुकूमत थी चल सकी बचा सकी वो हुकूमत ने बचा सकी वो दौलत ने उनको, उन्होंने खुद ही दावे कर दिए अल्लाह वालों के रास्ते में कांटे डाल दिए, अल्लाह के पैगंबरों को सताए, अल्लाह के नेक बंदों को सताए, अल्लाह के वलियों को सताए, तो कैसा आजाब में लास्ट में फिर अल्लाह घेर के गर्क और हलाक कर देता, क्योंकि तुम्हारी कोई मिसात नहीं है। तुम सोच रहे कि हम बहुत पावरफुल है, हम बहुत पावरफुल है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम रातों रात चेंज कर देंगे हर मामले, नहीं कर सकते। तुम्हारी सांसों पे हुकूमत करने वाला बैठे अल्लाह सातवें आसमान पे, और ये दुनिया उसकी है और उन्हें मनमानिया तुम्हारे कैसा करने देगा। तुम्हारे आमाल तुम्हारे आजाब में घिर के लास्ट में गर्क और हलाक कर देते। इसलिए जो नेक रहता इंसान वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए नेक बनो और एक बनो, इबादत की राह पर चलो, हदीस कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में सुनो, सूरह यासीन सुनो, सूरह रहमान सुनो, सूरह जिन सुनो, सूरह मुजम्मिल सुनो, सूरह वाकिया सुनो, सूरह बकरा घर के अंदर बजाया करो सुबह में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई जो भी सुन रहा होगा तो कुरान का सूरह बकरा डालो तुम उसके अंदर, सूरह बकरा बोलकर किसके अंदर मोबाइल में, वो एक घंटे तक चलेगा, रोज सुबह में एक घंटा थोड़ा स्पीकर उसका लाउडली कर सुनो बजाया करो, ताकि अतराफ के जो शैतान है, अतराफ के जो वार है, अतराफ की जो निगेटिव ताकतें हैं वो सब भाग जाती और तुमको फैज मिलता अल्लाह की तरफ से, और तुम्हारी सारे रुकावट है जो आ रहे कामों के अंदर वो हट के तुमको कामयाबी अता होती। किसी का कुछ नहीं जाता बेटे, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे फिर भी, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोक चलो।